जो कि थर्मल डिकम्पोजिशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं विफोर आयनाइजेशन ठीक है और इस डिकम्पोजिशन की वजह से जिस टाइप के हमें फ्रेगमेंटेशन चाहिए उस टाइम उस टाइप के फ्रेगमेंटेशन नहीं हो पाते हैं और वो अफेक्टेड हो जाते हैं तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही सिंपल है दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन ठीक है अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जब इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन होगी देन uh, ये ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म करेगा बट जैसे ही इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज होनी चाहिए थी जो हम करेंगे तो हमारे पास क्या बेस पीक आएगी मतलब फ्रेगमेंट्स आएंगे ठीक है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन की वजह से तो हम बोल सकते हैं कि थर्मली जो है वो भी फ्रेगमेंटेशन जो है अफेक्ट होती है ठीक है आफ्टर दैट आता है बम्बार्टमेंट एनर्जीज लाइक जितनी ज़्यादा हाई बम्बार्टमेंट एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा फ्रेगमेंट्स होंगे ठीक है लेकिन जितनी कम बम्बारेंट एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा वो फ्रेगमेंट्स कम आएंगे लेकिन फेवर्ड होंगे ठीक है और उसके बाद बात आती है रिलेटिव रेट ऑफ कम कंपीटिंग फ्रेगमेंटेशन रूट्स ठीक है अब जैसे हमारे पास ये कोई भी आ, मॉलिक्यूलर आयन है इसके पास जो है ये रेडिकल केटायन बन रहा है और साथ में हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन रहा है बट साथ ही साथ दूसरा स्टेप क्या है ये हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन है इसके साथ हमारे पास केटाइन बन रहा है और ये फ्री रेडिकल है सो एज पर इवन इलेक्ट्रॉन रूल द रेडिकल केटाइन विल अंडरगो फ्रेगमेंटेशन ठीक है एंड इट विल फॉर्म अ फ्री रेडिकल एंड कैटायन ठीक है अगर इलेक्ट्रॉन रूल इवन इलेक्ट्रॉन रूल की बात करें तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या होना चाहिए एक फ्री रेडिकल और एक कटाइन की फॉर्मेशन होनी चाहिए ठीक है और रिलेटिव अबंडेंस जो है ए मॉलिक्यूलर आयन ए और बी और बी पॉजिटिव यानी कि कटाइन की वो डिपेंड करेगी रिलेटिव रेट कॉन्स्टेंट पे और जो रेट कॉन्सटेंट है वो फर्दर टू फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा दैट इज़ एक्साइटेशन एनर्जी एक्जीबिटेड बाय मोलिकूलर मोलिक्यूलर आयन ए ठीक है जितनी ज़्यादा उसकी एक्साइटेशन एनर्जी होगी इट मीन्स की ए जो है वो प्रोमिनेंट होगा और जितनी कम होगी इट मीन्स की बी वाला होगा ठीक है और हीट ऑफ फॉर्मेशन तो इन दो चीज़ों पर जो है वो हमारा रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है और रेट कांस्टेंट किस लिए चाहिए क्योंकि इवन इलेक्ट्रॉन रूल को जब हम फॉलो करते हैं तो उसकी जो रिलेटिव अवंडेंस है वो रेट कांस्टेंट पर डिपेंड uh, करती है सो so, ये तीन मेन फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे फ्रेगमेंटेशन को जो कि बहुत ही सिंपल है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो होप यू ऑल लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू